है वीआई के प्रेसिडेंट श्री सुरेश राठी जी। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना का जो प्रादुर्भाव बढ़ चुका है तो ऐसे में काफी जो इंडस्ट्रीज है उद्योग है काफी मुश्किल के दौर में या यू हो लॉकडाउन की वजह से सारे के सारे बंद है, व्यापार पूरी तरह से ठप है, तो उसके वजह से प्रोडक्शन भी पूरा ठप है। तो ऐसे में जो देश की जो अर्थव्यवस्था पूरी डगमगा गई है तो और ये लॉकडाउन भी 30 तक बढ़ने वाला है, तो आपका क्या इस बारे में राय है? देखिए मैं भी तो कई साल से अपनी सभी लोग अपनी अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, पर शायद देश में ऐसी सिचुएशन पहली बार आई है। नॉर्मली ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडस्ट्री को बंद किया गया हो, बट ये पहली बार हम लोग भी ऐसा कुछ सिचुएशन फेस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि जान है तो जहान है, हम लोगों ने पुरानी कहावत भी हमारी है, और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जान और जहान अब वो दोनों का ध्यान रखेंगे। तो पहला एक फेज तो हो चुका है जहाँ उसके कारण अगर हम अपनी देश की तुलना अगर बाहर कहीं से करें तो शायद हम बहुत अच्छी स्थिति में है जितनी हमारी पॉपुलेशन है। तो ये शायद वही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन कर पाए और आगे भी हमें करना चाहिए, ये उसका असर है कि जिसके कारण हम अपने आप को इतना इतना सब कंटेन कर पाए, रोक पाए इस चीज़ को। अब सरकार ने ये देखा कि इसके रिजल्ट हमें अच्छे मिले हैं तो इसे वो 30 अप्रैल तक बढ़ा रहे हैं सब लोग, और हमारे महाराष्ट्र सरकार ने भी इसको इसके लिए हामी भरी है। तो ऐसे समय में अब क्योंकि अब दूसरी बात आती है कि इकोनॉमिक्स कैसे चलेगी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था अगर नहीं चलती है तो लगता है कि बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जो लोग डेली वेजेस वाले वर्कर जो काम करते हैं, एक जो हमारा मटेरियल साइकिल है, जो इंडस्ट्री साइकिल है, अगर वो पूरा रुकता है तो फिर ये रिवाइवल करने में बहुत तकलीफ जाती है। तो अब वो समय आ गया है जब हम सोचें कि हम धीरे धीरे करके अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को कैसे नॉर्मल करें। तो हम लोगों ने अभी तक भी समय समय पर सरकार को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी है जिसमें हमने अलग अलग विषय पर अपने मुद्दे उठाए हैं। तो अब हमने उस समय मुद्दे उठाने के कारण जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उसमें काफ़ी छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो है वो काम कर रही है ऑलरेडी, जैसे कि कोई चावल पैकिंग का काम है, कोई पैकेजिंग मटेरियल बना रहा है, कोई आटा वगैरह पैक कर रहा है, कोई सैनिटाइजेशन की बॉटल बना रहे हैं, कोई सैनिटाइजेशन कर रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चालू हैं। अब दूसरे फेज में जो किसान हैं जो बीज बनाते हैं अब उन पर काफ़ी प्रेशर आ गया, क्योंकि वो एक सीजनल बिजनेस है। तो ऐसे में वो एक आइटम ऐसा है जिसके लिए शायद सरकार को कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। वैसे तो सरकार ने अभी थोड़ी थोड़ी इजाज़त देना चालू कर दिया है कि आप उसमें ऐसी पैकेजिंग मटेरियल जो रखता है वो दे, उन्हें भी परमिशन दी गई है। कुछ लोग एनिमल फीड बना रहे हैं, कोई कई जगह ऐसा सुनने में आया कि कई जगह एनिमल मर रहे हैं, कई मुर्गियाँ मर रही हैं, सभी सुनने में आया है, तो वो भी एक जरूरी एक्टिविटी है जो हमें करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके जो प्रशासन है, हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब के साथ कई बार मिले हैं, हम उनके साथ मिलकर के काम भी कर रहे हैं, और अब हम उनके साथ DIC वालों के साथ और MIDC वालों के साथ मिलकर के अब हम जो सेकंड स्टेज है, हम अब इसमें ये देखेंगे कि अब हम वो कौन सी इंडस्ट्रियाँ हैं जिनको अगर हम दें परमिशन, अगर ग्रांट करें तो उससे हमारे दोनों फायदे होंगे, हमारी इकोनॉमिक गतिविधियां भी चलेंगी और हम कोविड को भी रोक पाएंगे। वो रोकना क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो अब हम ये उनके साथ मिलकर के अब हम सेकंड फेज में बात करेंगे एक दो दिन में। अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का कोई सर्कुलर आया हमारे लिए कि वो कल के बाद 14 तारीख तक तो वैसे ही लॉकडाउन था, अब वो कल के बाद वो क्या चाहते हैं, कैसे करते हैं। वैसे जो क्षेत्र डिक्लेयर हुए उसमें नागपुर को भी रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, तो ये भी एक चिंता का विषय है हमारे लिए, क्योंकि रेड जोन में हमें लगता है कि थोड़ी मुश्किल से परमिशन मिलेगी। पर फिर भी हम लगे रहेंगे सरकार के साथ और कोशिश करेंगे कि हम अपने क्षेत्र विदर्भ क्षेत्र की जो इंडस्ट्रियां हैं हम उनमें से ज़्यादा जो ज़रूरत की औरत चालू करवाएंगे बात करके, और जो और भी इंडस्ट्रियां हैं उन्हें किस तरीके से सेफगार्ड रखते हुए, कम वर्कर को रखते हुए, सरकार की सारी शर्तें मानते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, उनको सैनिटाइजेशन करते हुए, हम जिस भी तरीके से होगा लोगों की जान की सुरक्षा करते हुए हम कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को गतिविधि दे पाएंगे, अब हम उसके लिए प्रयास करेंगे। सर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, ये जो डाल क्लस्टर्स जो हो गए, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी एक बीच में लेटर लिखा था, तो मतलब उनको जो कर्ज है कर्ज में कुछ रियायत दी जाए RBI को जी। तो और दूसरी बात ये जो टैरिफ है अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का, उसमें जो कुछ राहत दी जाए जी। तो एक्चुअली वो मुद्दे क्या थे और वो कुछ प्रपोजल का संज्ञान लिया क्या? चलिए तो पहले आते हैं बिजली का मुद्दा।
बिजली एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करना हो, और कुछ कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो जिनका बहुत बिल भी आता है बिजली का। और अब क्योंकि छोटी इंडस्ट्री के पास तो वैसे ही पैसे की बहुत मारामारी होती है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बंद है, ऐसे में जो कैश क्रंच आ रहा है, जो कैश फ्लो है वो एकदम जीरो हो गया है। ऐसे समय में सरकार को हमने जो चिट्ठियाँ लिखी उसका असर ये हुआ कि सरकार ने मॉरिटोरियम दिया है 3 महीने का कि ये जो फिक्स चार्जेस है वो नहीं लगाएंगे और वो आगे वाले बिलों में उन्हें उनकी वसूली की जाएगी 3 महीने बाद, मतलब मार्च का बिल अप्रैल, अप्रैल का मई और मई का जून, इसके बाद में जो बिलिंग साइकिल आएगी उसमें उसका एडजस्ट करेंगे। अभी तो हम अभी ये मान्य इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम सरकार को कहना चाहते हैं कि भाई आप इन्हें लगा ही ना हमारे बिल में, तो हम वापस से उन्हें लिख रहे हैं कि हमने तो ये लिखा भी था पहले कि आप इसको पूरी तरह से माफ कर दीजिए। तो एक ही अभी पेंडिंग है, उन्होंने एक बात तो मान ली कि उन्होंने अभी नहीं लगाने का निश्चय किया है, बट आने वाले समय में हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि वो लगे ही ना लोगों पे, और जो लोगों ने बिल जो लोगों ने यूज किया है बिजली उनको जो एक्चुअल मीटर रीडिंग है, जितना बिल उन्होंने जितना बिजली उन्होंने कंज्यूम किया है उसके जो भी रेट होंगे उससे उनको बिल आना चाहिए, जितनी फैक्ट्री चली उतना एक्चुअल आ रहा है। तो ये हुआ बिजली के संदर्भ में। अब दूसरी बात बोली आपने फाइनेंस के लिए, तो ये बहुत सही चीज़ है कि अब पैसा क्योंकि कहीं से आ नहीं रहा है और बिना लिक्विडिटी के कुछ भी नहीं हो सकता है, तो हमने हमने बैंक वालों को भी चिट्ठी लिखी थी, बैंक वालों ने शर्त भी मानी और उन्होंने वर्किंग कैपिटल लिमिट 10% हमने हालांकि 20% डिमांड करी थी बट उन्होंने 10% से बढ़ाने का उन्होंने फैसला किया रिजर्व बैंक ने और सबको बताया। बट अभी जब लोग जाते हैं बैंकों में तो बैंक वो दे नहीं रही है किसी को भी, क्योंकि वो चाहती है कि पहले उसका एग्रीमेंट हो और उसके बाद ही वो दे पाएंगे। तो ये जब हमें पता लगा कि हमारे मेंबर्स हमें कंप्लेन किया कि बैंक हमें 10% लिमिट बढ़ाकर नहीं दे रही है, तब हमने जाकर के फिर हमने गडकरी जी से भी मुलाकात करी इस पॉइंट स्पेशल इस पॉइंट को लेकर के, तो उन्होंने फिर सीधा स्टेट बैंक के जो प्रमुख है उनको भी फोन लगाया था और उनको भी ये बात से अवगत कराया कि भाई अगर आप अभी कंडीशन डालेंगे तो सरकार के सब ऑफिसर्स बंद हैं, ऐसे में स्टैंप ड्यूटी कहाँ भरेंगे, एग्रीमेंट कैसे होगा और कैसे साइन होगा, तो आप बिना किसी शर्त के 30 दिन का टाइम दे दें कि जो और एटलीस्ट हमने रिक्वेस्ट करी जो अकाउंट बहुत अच्छे हैं, जो इंडस्ट्री अच्छी है, जिन्होंने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, जिन्होंने अपनी पुरानी इंस्टॉलमेंट सब बराबर भरी हुई है, कम से कम ऐसे अच्छे अकाउंट होल्डर उसको बिना परेशानी के मुझे 10% ही अगर दे दें, हम तो 20% चाहते हैं, अगर 10% ही देना चाहते हैं तो उनको जरूर दे दें और उनके साथ एक एग्रीमेंट सिंपल एग्रीमेंट कर लें कि आने वाले 30 दिनों में या जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा सरकारी अफसर खुलेंगे उस समय वो एग्रीमेंट करके बैंक को हैंड ओवर कर देंगे या तो फिर उस समय उनकी लिमिटें बंद कर दी जाएगी। तो हमने किसी का प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने बैंक के चेयरमैन से भी बात किया और जो अपने प्रमुख सचिव हैं अजय मेहता जी उनसे भी बात किया है कि जो स्टैंप ड्यूटी वाला मामला है उस पर उनको एक तो आगे तारीख बढ़ाने की समय दी जाए और वो जब उस समय एग्रीमेंट करेंगे तो उस पर कोई पेनाल्टी वगैरह न लगाए जिससे कि इंडस्ट्री को पैसा मिलने में सुविधा होगी, लिक्विडिटी आएगी तो इंडस्ट्री चालू करने में सुविधा होगी। ठीक है।